हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमंदर मौर्य और आप सभी का हमारे चैनल में हेलो स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ओप्पो के कलर ओएस के लेटेस्ट वर्जन 521 को अभी तक अपडेट नहीं किया है और आपको नहीं पता है इसे कैसे अपडेट करना है, तो आज के इस वीडियो में आपको लाइव करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ और आप किस तरह से इसे अपडेट करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर किस तरह से अपडेट करना है स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग का यहाँ पर बटन दिखाई दे रहा है, या तो आपको यहाँ से जाना है। अगर आप यहाँ से नहीं जा पा रहे हैं तो आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा सेटिंग का एक आइकन, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, आपको यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट जो दिखाई दे रहा है तो यही अपडेट्स की पहचान होती है, यहाँ से अपडेट्स पता चलता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर आपको सेटिंग में चले जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपको इस तरह से सेटिंग के बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करते हुए आपको थोड़ा सा नीचे चले जाना है और यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप इसे नॉर्मली देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको इंटरनेट जैसे अभी दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको इंटरनेट ओपन होना चाहिए, आपका इंटरनेट खुला होना ज़रूरी है क्योंकि उससे ही आपका फ़ोन अपडेट्स होगा। अगर आपके पास वाईफाई है तो आप वाईफाई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देता हूँ, अब चलता हूँ मैं सॉफ्टवेयर अपडेट्स पर। यहाँ पर आपको एक वन लिखा दिखाई दे रहा है राइट से, तो यहाँ पर अपडेट है वो कलर ओएस 521 में है, जो अभी तक 52 तक था, तो आपको यहाँ पर 521 का अपडेट मिला है। तो इसको हम अभी अपडेट करेंगे और यहाँ पर जैसे ही अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा डिटेक्टिंग करेगा और डिटेक्टिंग करने के बाद यहाँ पर आपको जो है उसकी डिटेल आ जाएगी न्यू वर्जन की, कलर ओएस की, तो इसे आप अपडेट्स कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ इसके संबंध में लिखा है कि अपडेट्स हैं, तो आप इसे नोट्स नीचे दिखाई दे रहा है उसे भी पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर ये लगभग कंप्लीट डाउनलोड हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर आपका डाउनलोड कंप्लीट यहाँ दिखाएगा, आपको ऊपर नोटिफिकेशन आएगा अपडेट नाउ, तो आपको अपडेट नाउ पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप अपडेट नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ वेरीफाई होने लगेगा और वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर आपका मोबाइल स्विच ऑफ, मतलब जैसे कि एक ऑफलाइन मोड में चला जाएगा और यहाँ पर अब अपडेट होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर अपडेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, आप देखिए ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपका जो जैसे ओपन होता है वैसे नॉर्मली नाम आ रहा है पावर वाइड एंड्रॉयड, तो इसके बाद ही जो उसका अपडेट्स है प्रोसेस शुरू होगा। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ से थोड़ा सा टाइम लेता है, 5 से 10 मिनट ले सकता है आपका पूरा अपडेट होने में मोबाइल, वो डिपेंड करता है आपके कितने MB का अपडेट्स है। तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर कर रहा है ये अपडेट, तो हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर अपडेट ये हो जाएगा जल्दी जल्दी, तो यहाँ पर ये धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। यहाँ पर नीचे आपको टाइम भी दिखाता है यहाँ पर कितने टाइम लगेगा, तो यहाँ रिमिंग टाइम 2 मिनट 1 मिनट ऐसे दिखा रहा है, तो 1 मिनट अभी बाकी रह गया है और 1 मिनट से कम ही लेगा यहाँ पर क्योंकि काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर कुछ आपको नोट्स दिया है, यहाँ पर आपको अगर अपडेट्स हो रहा है तो उसमें आपको किसी भी बटन का यूज नहीं करना है, वरना जो आपका अपडेट्स है वहाँ पर आपके फ़ोन में किसी तरह की दिक्कत आ सकती है। तो आपको बटन कोई नहीं दबाना है, नॉर्मली जितना टाइम ले रहा है तो अपडेट्स होने देना है उसे, और यहाँ पर अपडेट जब होगा तो कंप्लीट होते ही आपका आगे प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कंप्लीट हो चुका है, आपको वाइट लाइन दिख रही है, उसके बाद फिर से आपका रिबूट होगा एक बार मोबाइल, तो यहाँ पर रिबूट होने के बाद फिर से ओपन होगा और यहाँ पर ओप्पो पावर वाइड वैसे ही सेम लिख के आ रहा है जैसे आप ओपन करते हैं। तो इस तरह से ही यहाँ पर जो अपडेट्स है आपका हो गया है कम्प्लीट और यहाँ पर रिबूट हो गया, मोबाइल दोबारा से चालू हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लेगा, इस प्रोसेस के बाद आपका मोबाइल यहाँ पर ऑन हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि अपडेट्स हुआ है। तो अपडेट्स टाइम में मैंने जैसे कि आपको बताया यहाँ पर 5 से 10 मिनट आपको लग सकते हैं बाकी आपके। तो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन जो उसमें आपको पता चल जाएगा नीचे एंड्रॉयड अपडेट्स। तो यहाँ पर जो मोबाइल का अपडेट्स हो चुका है, तो हम यहाँ पर चेक कैसे करेंगे कि यहाँ पर अपडेट लेटेस्ट वर्जन कलर हुआ है इसका 521 अपडेट्स कैसे हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपको फिर से थोड़ी नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद आपको अबाउट फ़ोन का ऑप्शन दिखाई देगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर जो मोबाइल की डिटेल है वो आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगी और सिस्टम अपडेट्स इन्जॉय, तो जो नोटिफिकेशन है वो सक्सेसफुली आपका अपडेट्स हो गया है, नोटिफिकेशन आ चुका है। और यहाँ पर आपको मॉडल नेम दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको जो आपका डिवाइस नेम है वो भी दिखाई दे रहा है और कलर ओएस 521 यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका अपडेट्स हो चुका है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, तो जैसे कि आपको यहाँ पर कलर्स ओएस का 521 दिखाई दे रहा है
और यहाँ पर आपको 5.2.1 का अपडेट हो चुका है। और यहाँ पर जो आपका एंड्रॉयड का जो भी डिटेल है आपके मोबाइल का, वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो अभी वर्जन अपडेट किया था वो 5.2.1 अपडेट। इस तरह से ही ओप्पो के कलर ओएस वर्जन के लेटेस्ट वर्जन 5.2.1 को यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।